भारत विकास परिषद और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भिलाई द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय और चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे लगाए एवं आज की आजाद फिजा में सांस लेने के लिए सदैव स्मरण करने का संकल्प लिया। आर्ट ऑफ लिविंग भिलाई एवं भारत विकास परिषद द्वारा 23 जुलाई को नेहरू नगर भेलवा तालाब में चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक के जन्म दिवस पर संगोष्ठी आयोजित कर उन्हें याद किया गया। उनके द्वारा देश को आजाद कराने में किए गए अथक प्रयासों पर परिचर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रशिक्षक अजय शुक्ला ने चंद्रशेखर आजाद का दृश्यांत सुनाया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद के योगदान को याद करते हुए महिलाओं ने एक भक्ति गीत गाकर अन्य युवाओं को यह संदेश दिया कि हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, इस आजादी को दिलाने वाले शहीदों को हमें नहीं भूलना चाहिए और जरूरत है कि आज उन्हें याद करके उनके बताए मार्गों पर चला जाए। 23 जुलाई को हमारे चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक का जन्म दिवस था और उस जन्म दिवस को हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा भारत विकास परिषद सदस्यों द्वारा मनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे ऐसे बहुत सारे वीर सपूत थे जो देश की आज़ादी में इस तरह से भाग लिए, इस तरह अपने परिवार देखे, न घर देखे, समाज देखे। आज हम जो आज़ादी का 75वां जन्म दिवस मना रहे, उत्सव मना रहे हैं, तो उनकी कुर्बानी के कारण मना रहे हैं। मैं छोटा सा दृष्टांत बताना चाहूँगा। हमारे चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष के बच्चे को जब कोड़ा मारने का आदेश मिला था, 15 कोड़ा, सोच लो आज का 14 साल का बच्चा, वो 14 साल के बच्चे में क्या अंतर रहा। कोड़ा खाते गया और भारत माता की जय। जब उनसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, बोले आज़ाद। तुम्हारा घर कहाँ है, बोले जेल खाना। इतना स्वाभिमान था। और हम क्या करते हैं, कुछ लोगों का जन्मदिन तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उन वीर सपूतों को हम भूल गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सबका मनाया जाए, वैसे उन राष्ट्रभक्तों को मनाया जाए जिसके कारण आज़ादी मिली है। इसलिए 23 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सबका स्वागत करते हैं और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं। आप लोग भी करें। बहुत मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज जो हम इस खुली हवा में आज़ादी के जो सांसें ले रहे हैं, जिन महापुरुषों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमें उनको ज़रूर याद करना चाहिए। 23 जुलाई को उनका जन्म दिवस था, जिसके वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और हम सभी यहाँ खुली सांस ले पा रहे हैं। एक विचार है जिनके विचारों ने हमें इस देश में खुली सांस और आज़ादी से जीने का अवसर मिला, तो हर देश के हर नौजवानों को चंद्रशेखर आजाद की तरह रहना चाहिए। आज हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वह सब इन सपूतों के लहू से लाल होकर मिली है। आजादी के लिए आजादी के 75 वर्ष में हम सभी तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगे की शान तभी है जब हम अपने उन वीर सपूतों को स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।